ना समोसा, ना कचौड़ी, ना आलू का पराठा। एक कप गेहूं के आटे और दो उबले हुए आलू से हम लोग आज एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो, और इसे खाने के बाद आप हफ्ते में 2 से 3 बार या अक्सर ही इसको बनाना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैंने इस चैनल पर बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी अपलोड की है, तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप गेहूं का आटा, कोई भी जो रोटी बनाने वाला नॉर्मल आटा है, उसे आप ले सकते हैं। और इस आटे को हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब एक पैन लेंगे जिसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच जीरा, और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्चें जिसे बारीक काट लिया है, और 2 प्याज लिया है जिसे मैंने रफली काट करके इसमें डाला है। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, और टमाटर को भी प्याज के साथ भून करके हल्का सॉफ्ट करेंगे। अब 1/2 चम्मच हम लोग यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लेंगे जिसे अच्छे से मैश करके इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद कुछ कटे हुए धनिया पत्ता इसके अंदर डालेंगे और इसे भी हम लोग 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हमारा एक टेस्टी फिलिंग बन करके तैयार है। अब चलिए अपने आटे को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट देखिए हो गया है, हमारा आटा भी सेट होकर के सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम लोग एक बड़ी सी रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है पेड़ा, और जिसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सूखा आटा लगा करके इसे हम लोग बेल लेंगे। रोटी को उसे थोड़ा मोटा ही इसे रखना है, और आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगा करके रोटी से थोड़ा सा मोटा मैंने इसे बेल लिया है अपने पेड़े को। अब जो फिलिंग हमने बनाई थी उसे हम लोग अच्छे से इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फैला देंगे। आपको जितना भी मिक्सचर इसके ऊपर रखना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा सा टाइटली, जिससे कि ये जो है अच्छे से रोल हो जाए, और इस तरह से हम लोग टाइट हाथों से दबाते हुए हम लोग इसे रोल कर लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इस आटे को रोल कर लिया। इस तरह से मैंने जो भी आटा था उससे अपने 2 रोल बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन जिसमें भी स्टीम करने के लिए एक जाली रखेंगे, और जाली को हल्का ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर इसे डाल करके स्टीम करेंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है, और इसे ठंडा करने के बाद इसे अपने मन चाहे पीसेस में काट सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर फ्राई नहीं किया है, आप इसे चाहे तो हल्का सा तेल में इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ये नाश्ता इतना डिलीशियस बन करके तैयार होता है, और हेल्दी और खाने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इस नाश्ते को बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।